सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करते हैं ब्लॉग की नई शुरुआत। आज का सीन ऐसा है कि शाम हो चुकी है, तो आप सबको गुड इवनिंग। हम तो कांवड़ लेने जा नहीं पाए इस बार, तो हम जाएंगे औरों की कांवड़े देखने कि इस बार दिल्ली में कैसी कैसी कांवड़े हैं। तो हम आपको भी दिखाएंगे, आप भी देखना। और देखते हैं बाकी, क्योंकि दिल्ली के भी हालात बहुत बुरे हैं भाई, हर जगह बाढ़ 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 आ रखी है। तो हमने सोचा था कि शायद मेरठ तक हम जाएंगे, लेकिन मेरठ का सीन ये हो रहा है कि ITO भी बंद है, जो और उस तरफ के इलाके हैं सारे बंद हो रहे हैं, क्योंकि यमुना जी का पानी छोड़ा हुआ है। और अगर हम उस तरफ गए और फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे, हमको जितने अच्छी से अच्छी कावड़ हमें दिखेगी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा दूर जाने का प्लान हुआ तो बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। दिखाएंगे अच्छे बुरा तो हम दिखाते नहीं है ना, बाकी और कोई प्लान तो ऐसा है नहीं। अभी आप हम आपको कावड़ के, क्योंकि रात में ना कावड़े अच्छी भी लगती हैं, प्लस जो रात का नज़ारा होगा ना दिल्ली में कावड़ियों का, वो अलग ही होता है। दिन में थोड़ी शांति होती है क्योंकि सब आ रहे होते हैं, लेकिन रात में दिल्ली ऐसी जगमगाई होती है कावड़ के टाइम पे, क्योंकि भोले की ऐसा लगता है जैसे भोले साक्षात धरती पे आ गए नाच, इतना मज़ा आता है। लेकिन जब आपको ब्लॉग दिखाएंगे ना, आपको ब्लॉग में ही उतना मज़ा आएगा जितना हम शूट में जाते हैं। तो मज़े में तो कुछ नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, पूरा ब्लॉग अच्छे से दिखाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और कोशिश करेंगे कि कल महाशिवरात्रि है तो कल भी थोड़ी हम ले सकें, बाकी कोशिश करेंगे कि ये महाशिवरात्रि पे ही ब्लॉग लाइव हो। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि कल महाशिवरात्रि तो ब्लॉग को हम लाइव कर दें, बाकी प्रभु की कृपा है, प्रभु जो चाहेगा। क्योंकि हमें शायद कल हम कावड़ लेने भी जाएंगे, तो अगर वहाँ गए तो हम शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरा और वहाँ लेके जाना थोड़ा रिस्की रहता है, बाइक वाइक का भी सफ़र है। तो देखते हैं, बाकी कल का कल है, आज की क्यों टेंशन लें कल के चक्कर में। तो अभी प्लान आपको बता ही चुके हैं कि जाएंगे, बस थोड़ी देर में छोटा भाई आ जाए, फिर उसके साथ बाइक पे बैठेंगे और निकल चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे बाइक के ऊपर। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, जो भूत जैसी शक्ल दिख रही है ना, ये तुमको लग रहा हो कि मज़ा आ गया कि पसीना सीना, भाई देखो पंखा नहीं चल रहा है, देखो भाई पंखा नहीं चल रहा है, इस चक्कर में ऐसी हालत हो गई, नहीं तो ये हो गया साफ। तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ा 10 मिनट में, ठीक है। रजौरी गार्डन आ गए, रजौरी गार्डन ही रहे, मोती नगर हम आ गए मोती नगर। और यहाँ पे आ रही है बड़ी मस्त सी कावड़, तो उसके वेट में रुक गए हैं। इससे जो पिछले वाले थे हम घर से निकले तब के थे, और अब ये सारे जो सीन है वो हैं वहाँ से, अब यहाँ से घर जाएंगे उसके बाद के जो शॉट। लेकिन अब जो कावड़ आ रही है भाई, एक नंबर, ये भी पागल हो गया, देखो कैमरा ले गया रिकॉर्डिंग करे। तो अभी भाई पसीने पसीने हो गए, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है कावड़ रिकॉर्ड करने में। देखो वो आ रही, वो जो दूर दिख रही है ना, जो हमारे कैमरे में दिखेगी अभी, वो है कावड़। तो अभी कावड़
आ जाए। अरे लाइट लाइट, हाँ ठीक है अभी कावड़ आ जाए, फिर चलते हैं इसको रिकॉर्ड करके फिर और आगे की दिखाएंगे। बहुत शोर है यार रोड पे, पता नहीं चल रहा कुछ भी। ये यहाँ पे आ गया देखो रिकॉर्ड करने पहले, ये देखो पहली वेट कर रहा है कावड़ का, आए रिकॉर्ड का। लेकिन भाई कावड़ इस बार मैं कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग गदर एकदम, मतलब क्या मैं तो कह रहा हूँ मैं मेरठ हाईवे नहीं जा पाया यार। अगर मैं मेरठ की तरफ गया तो मैं कितनी अच्छी कावड़े मिस कर रहा हूँ इस टाइम। लेकिन वही है ना, वक्त नहीं है। कैमरा क्या चालू? अगर वक्त होता तो भाई मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ जाता। तो अभी हम कावड़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाली है, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। Yeah.
आहों जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह आगे की कहानी ये है कि हम शूट करके आ चुके हैं, लेकिन बाय गॉड मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी सुंदर है खबर देख के ऐसा दिल हो गया जैसे कि भगवान साक्षात नीचे आए हुए। एक मैंने कावड़ देखी जिसमें हमने, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भोले का शिवलिंग बना रखा था, जैसे कि अभी आपने जिनको देखा। वो क्या है कि उनकी एज होगी करीब 60 से 70, और उन्होंने वो शिवलिंग की पूरी बनाई है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो उन्होंने बनाई है। तो अब ये है कि ये शिव जी की मूर्ति इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, हो सकता है मेरे कैमरा वो चीज़ आपको कैप्चर करके ना दिखा पाए, लेकिन जो वो दिख रही थी, मैं कह रहा हूँ इट्स अमेजिंग, वंडरफुल जिसे बोल सकते हैं, मतलब क्या ही बंदे ने बना रखी थी। और मतलब कावड़े तो सारी अच्छी थी, एक से एक भड़ के, मतलब भगवान के प्रति लोगों की इतनी भावना है ना, आज पता चलता है ऐसे चीज़ों को देखे, चाहे फिर वो शिवरात्रि हो, फिर चाहे वो नवरात्रि हो, फिर चाहे वो हमारे क्या कहते हैं दिवाली हो, या और कोई अदर फेस्टिवल हो, तो भाई मानना पड़ेगा। और लोग भाई जो पैदल आ रहे हैं उनकी तो हिम्मत की दाद देता हूँ, कंकड़ पत्थर पैर छिल रहे हैं। 250 किलोमीटर दिल्ली से हरिद्वार पड़ता है, और मजाक नहीं है कि इतना हैवी हैवी जल आपने कैरी कर रखा हो फिर उसको आप लेकर आ रहे हैं। तो जो हर भोले को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि कि उसने इस कठिन कार्य ना तो कठिन कार्य जो इन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं अपने लिए, मानना पड़ेगा। और मालूम है आपको तो हरिद्वार की जो कावड़े हैं वो तो फेमस ही है। हमारा प्लान था मेरठ जाने का, लेकिन मेरठ जा नहीं पाए, मेरठ इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि यार मतलब बस समझ जाओ या हाईवे पे पानी इतना भरा पड़ा है कि दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारी एक भोले से बात हुई, वो कह रहा हम जब कावड़े लेकर आए हमें 1% दिक्कत नहीं हुई है, इतने प्यार से वो कावड़ आ गई है ना, इट्स अमेजिंग। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि। नाउ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमको 1 मिलियन फैमिली पहुंचाना है इस साल में, तो वी विल ट्राई बेस्ट टू बेस्ट। और बाकी तो भगवान की कृपा रही तो 1 मिलियन 10 भी कर देंगे, सब भगवान के हाथ में, जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा, बुरा कभी किसी का नहीं करता। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे, टाटा बाय बाय। अमृत सभी मैं बांट के प्यारा विष का तूने खुद पिया।